आपका फेवरेट राजवीर, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या राजवीर अरेस्ट हो गया? जी हाँ, और एज यूजुअल उसे बचाने के लिए करण ने पुलिस से झगड़ा किया है। पुलिस ने करण को वार्निंग दी है कि अगर उसने पुलिस को ज्यादा परेशान किया तो पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेगी। करण को वार्निंग? ये क्या हो रहा है? वही तो, करण पुलिस को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उनसे झगड़ा कर रहा है कि वो राजवीर को अरेस्ट ना करे, उसे छोड़ दे। और ऑब्वियसली पुलिस को तो गुस्सा आएगा ही ना। आप लोग इतना शॉक क्यों हो रहे हैं? मैं जानती थी एग्जैक्टली यही होगा। प्रीता इस घर में प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आती, प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। लेकिन आप लोगों को तो प्रीता पे बहुत ज्यादा विश्वास है ना। आई एम सॉरी टू से, अंधविश्वास है। प्रीता जो कहती है वो सही, प्रीता की बात को आंखों पे पट्टी बांध के फॉलो करो। प्रीता जैसा कहती है आप लोग बिल्कुल वैसा ही करते हो। अब देख लिया नतीजा? पुत्र, शौर्य को बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे हैं ना हम लोग, कभी कभी फूल नहीं मिलते पुत्र, कांटे मिलते हैं। वाह, ये तो वही बात हुई ना कि पता है सामने कांटे हैं, फिर भी अपना पैर रख दो उसके ऊपर, तो कांटा तो चुभना ही है ना। और रही बात शौर्य को रिहा करने की, तो कहाँ है शौर्य? उसने प्रॉब्लम का हल तो नहीं निकाला। शौर्य तो अभी तक जेल में है, रिहा नहीं हुआ ना। ये प्रीता भी ना, उसने प्लान बनाया और सबने आंखों पे पट्टी लगा ली और अंधे बन के उसके प्लान को फॉलो करने लग गए। किसी ने पूछने की जरूरत भी नहीं समझी कि अगर प्लान फेल हो गया तो क्या करेंगे। करीना बहन प्लीज, तुम शांत हो जाओगी, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। माना तू सही है एक मिनट के लिए, लेकिन हम भी गलत नहीं है पुत्र। प्रीता ने जब प्लान बनाया था हमें उस पर भरोसा था, उसका प्लान हम सब ने माना, तभी वो आगे बढ़ी। नहीं नहीं मॉम, ये रॉन्ग। मैंने नहीं माना था और भाई ने भी नहीं माना था। अपना प्लान प्रीता ने बनाया, करण ने उस प्लान को अप्रूव किया, हम तो बैठ के उनकी बातें सुन रहे थे। उसने अपना प्लान सुनाया, हमने उसका प्लान सुना, हमारे पास वैसे और कोई ऑप्शन भी नहीं था मॉम। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, राजवीर का अरेस्ट होना बहुत बड़ा बैड लक है। आई एम सॉरी टू से, शायद आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन निधि बिल्कुल सही थी। प्रीता के बारे में वो जो भी बोलती है, जो भी सोचती है ना, वो बिल्कुल सही है। प्रीता इस घर के लिए बुरा साया है, बैड लक है वो। अब आप लोग ही सोचिए ना, जब तक प्रीता इस घर में नहीं आई थी तब तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन उसके आने के बाद बैक टू बैक प्रॉब्लम्स होने लगी है। हाँ रोही, यू आर राइट एक्चुअली, बैक टू बैक प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं। और प्रॉब्लम से याद आया, यू लीव। और तुम जिस बुरे साय की बात कर रही हो ना, कि इस घर पे किसका बुरा साया है, हमें अच्छे से पता है कि वो बुरा साया प्रीता का है या किसी और का। आर यू ट्राइंग टू से कि मैं बुरा साया? मैंने कहा कुछ कहा? डिड आई से एनीथिंग लाइक दैट? काव्या, हमने कुछ कहा कि ये बुरा साया है? बट अजीब बात नहीं है, जब भी तुम इस घर में आती हो कोई ना कोई पनौती, कोई ना कोई मुसीबत साथ में आती है तुम्हारे। और तुम किससे क्या क्या बोल के क्या क्या करवाती हो ना, वो भी हम अच्छे से जानते हैं। कृतिका, ये क्या तरीका है इससे बात करने का? मामा, आई थिंक आरोही को सुनाई नहीं दे रहा। आर यू डेफ? कहा ना, लीव।